हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई। तो बच्चों, इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सीरीज एंड पैरेलल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें भी हम लोग लेंगे पैरेलल रेडियोएक्टिव इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है ए, है ना, जो बी न्यूक्लियस में डिके कर सकता है वाया अल्फा डिके, और इस प्रोसेस के लिए जो डिके कांस्टेंट है वो लेटर से लैम्डा वन है। और ये जो न्यूक्लियस है ये सी में भी डिके कर सकता है, और इस प्रोसेस के लिए जो डिके कांस्टेंट है वो मान लेते हैं लैम्डा टू है, और ये जो प्रोसेस है वो लेटर से बीटा डिके है। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास ए के बहुत सारे न्यूक्लियस है, है ना। तो अगर मान लीजिए कि शुरुआत में हमारे पास एन नॉट न्यूक्लियस थे, है ना, ए के एन नॉट ये न्यूक्लियस थे, और सारे के सारे ऑब्वियस है कि क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो अब मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर, है ना, किसी टी टाइम पर मान लेते हैं कि ए के सिर्फ एन ए रह गए अब, है ना, और बी के लेटर से एन बी फॉर्म हो गए और सी के एन सी फॉर्म हो गए। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस बच्चों कि हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एन नॉट विल बी इक्वल टू एन ए, मतलब जो बच गया, प्लस एन बी प्लस एन सी, क्योंकि हमें पता है कि अगर अल्फा डिके होता है ना, तो एक एक्चुअली एक न्यूक्लियस अगर कन्वर्ट हो रहा है ना, अगर एक न्यूक्लियस जो है वो ए का कन्वर्ट हो रहा है बी में, और इसी तरीके से एक न्यूक्लियस मान लीजिए कन्वर्ट हो रहा है ए का सी में, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो काउंट एन बी है, जो काउंट एन सी है, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ एन ए ऐड कर देंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एन नॉट के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों आपको मैं याद दिला दूं, है ना, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते थे पहले कि एन नॉट मान लीजिए कि शुरुआत में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ना, और हम लोग क्या बोलते थे कि माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू होता था लैम्डा इंटू एन, है ना, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आपका रिवाइज में करा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पर जो माइनस डी एन है वो एक तरीके से क्या था, माइनस डी एन वॉज इक्वल टू लैम्डा एन इंटू डी टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी डी टी टाइम में, है ना, किसी डी टी टाइम में जो है कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो रहे हैं, है ना, ये माइनस डी एन हमें यही तो बताता है। तो आखिर जो नंबर है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के डिके होने का इस डी टी टाइम में, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो एक्चुअली देखिए तो ये लैम्डा डिसाइड कर रहा है और ये एन डिसाइड कर रहा है ना। तो इस प्रोसेस में देखिए, ए से बी के कन्वर्जन की बात करें तो इस प्रोसेस का जो डिके कॉन्स्टेंट है वो क्या है, लैम्डा वन है। तो अगर मैं यहां बात करूं सिर्फ ए से बी के प्रोसेस की, है ना, तो जितना इस प्रोसेस से ए का न्यूक्लियस डिके हो रहा है उतना ही तो बी का फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, डी एन बी बाई डी टी, है ना, डी एन बी बाई डी टी, इस बार ये पॉजिटिव है, माइनस डी एन बाई डी टी भी पॉजिटिव होता था, है ना, लेकिन यहां माइनस क्यों आता था, माइनस इसलिए आता था क्योंकि एन जो है वो कम हो रहा होता था, है ना, एन क्या होता था, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। लेकिन यहां पर देखिए, मैंने यहां पर प्लस डी एन बाई डी एन बी बाई डी टी लिखा है, क्योंकि ए जितना भी डिके कर रहा है इस प्रोसेस से, है ना, इनटू बी, तो उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जितने न्यूक्लियस ए के डिके कर रहे हैं उतने ही न्यूक्लियस बी के फॉर्म भी हो रहे हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी एन बी बाई डी टी वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर इससे कंपेयर करें तो वो बराबर हो जाएगा लैम्डा वन इंटू एन ए के, है ना। यहां पर एन ए क्या है, यहां पर है उस टी टाइम पर ए के कितने एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा ए का न्यूक्लियस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बी में कन्वर्जन होगा, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा कि ए से सी वाले से ज्यादा या कम, मैं बस ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा ए का न्यूक्लियस होगा उतना ही ज्यादा बी में कन्वर्जन होगा, तो इसीलिए एन ए के प्रोपोर्शनल है। और लैम्डा वन, है ना, ये जो डिके कांस्टेंट है ना, ये जो रेट है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बी का फॉर्मेशन भी होगा ज्यादा, तो इसीलिए डी एन बी बाई डी टी वो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा वन इंटू एन ए के। और सिमिलरली हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहां पर डी एन सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस बार लैम्डा टू इंटू एन ए। आई होप ये बात भी क्लियर है। तो इन सारी चीजों को मैं कंबाइन करके देखिए बच्चों क्या बोल सकता हूं, मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो मैं बोल सकता हूं डी ऑफ एन बी प्लस एन सी बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू टाइम्स एन ए के बराबर आ जा रहा है, ठीक है।
अब जरा देखिए बच्चों, हम लोगों ने ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा था एन नॉट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या लिखा था, एन नॉट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी के बराबर। तो एन बी प्लस एन सी किसके बराबर आ गया, एन बी प्लस एन सी जो है ना, एन बी प्लस एन सी जो है ये आ गया बच्चों एन नॉट माइनस एन ए के बराबर, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बच्चों इसका यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एन बी प्लस एन सी के बदले में क्या लिख दूंगा, एन नॉट माइनस एन ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू टाइम्स एन ए के बराबर। क्लियर है। तो एन नॉट तो बच्चों क्या है, वो तो कॉन्स्टेंट है ना, वो तो शुरुआत के जो ए के नंबर्स थे वो थे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू टाइम्स एन ए के बराबर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये तो कहीं ना कहीं देखी हुई है इस तरीके की इक्वेशन, है ना। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें तो ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन के, है ना, इसके साथ ये कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू है ये बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है लैम्डा इफेक्टिव का। तो बच्चों ये डिके कहलाता है पैरेलल डिके, जिसमें हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो दो अलग अलग चीजों में डिके कर सकते हैं ना, या तो बी में या तो सी में। तो उस केस में जो है हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लैम्डा इफेक्टिव, है ना, लैम्डा इफेक्टिव जो है वो क्या जा रहा है, सिंपली लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू के। और इसी तरीके से बच्चों हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, यहां पर हम लोग यहां पर जो है इफेक्टिव हाफ लाइफ निकाल सकते हैं और इफेक्टिव एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग ये काम। तो अगर हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात करें, सबसे पहले ना हाफ लाइफ के बारे में अगर बात करें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एल एन टू अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा इफेक्टिव को, लैम्डा इफेक्टिव कैन बी रिटर्न एज एल एन टू अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एल एन टू अपॉन टी हाफ वन प्लस एल एन टू अपॉन टी हाफ टू। तो यहां से देखिए एल एन टू तो वेरी इजिली इट इज गेटिंग कैंसल आउट, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू आ जाएगा टी हाफ वन इंटू टी हाफ टू अपॉन टी हाफ वन प्लस टी हाफ टू। क्लियर ये बात। तो सिंपली आप चाहें तो एक फॉर्मूला याद कर रख सकते हैं, टी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा टी वन इंटू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, है ना। ये फॉर्मूला जो है ये दोनों ही केसेस में वैलिड है, चाहे तो आप हाफ लाइफ निकालना चाहें इफेक्टिव, चाहे तो आप एवरेज लाइफ निकालना चाहें इफेक्टिव। क्योंकि जैसे जब हम लोग हाफ लाइफ निकाल रहे थे तो जो एल एन टू वाला टर्न था वो तो कैंसिल आउट ही हो गया, उसी तरह एवरेज लाइफ वाले में ये वन रहेगा सिर्फ। क्लियर ही बात। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इफेक्टिव लैम्डा निकाला उसी तरीके से हम लोग एवरेज, ये जो इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव एवरेज लाइफ या फिर इफेक्टिव हाफ लाइफ कुछ भी कह लीजिए आ जाता है। क्लियर ये बात। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज टी वन एंड दैट फॉर द सेकेंड प्रोसेस इज टी टू, शो दैट द इफेक्टिव हाफ लाइफ टी ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय वन अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू। तो देखिए बच्चों एक्चुअली इस सवाल को तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जो अभी अभी थ्योरी हम लोगों ने देखी, लेकिन अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, है ना, इसी सवाल को सॉल्व करने का। सो वी विल बी डीलिंग विथ मेथड नंबर टू, है ना। मेथड नंबर वन तो अभी अभी हम लोगों ने एक तरीके से देख ही लिया जब हम लोग पैरेलल डिके की थ्योरी को समझ रहे थे, ठीक है। तो देखिए बच्चों जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि ए जो है वो बी में भी डिके कर सकता है और सी में भी डिके कर सकता है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए जो लेटर से डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा वन है और दूसरे के लिए क्या है, लैम्डा टू है। तो बच्चों अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी से बात करें, है ना, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी से बात करें तो मैं आपका रिवीजन पहले करा दूं। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू होता है लैम्डा टी, है ना, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर किसी टी टाइम पर एन सैंपल थे, है ना, टोटल एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, उसमें से अगले डी टी टाइम में कितने डिके कर रहे हैं, माइनस डी एन डिके कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे को क्या बता रहा है, ये हमारे को प्रोबेबिलिटी ही तो बता रहा है ना, कि आउट ऑफ एन,
है ना, कितने डिके कर रहे हैं, माइनस डीएन। तो किसी भी न्यूक्लियस के डिके करने की प्रोबेबिलिटी इस डीटी टाइम में वो कितनी हो गई, वो हो गई माइनस डीएन अपॉन एन। तो बच्चों इसी बात का हम लोग यूज यहां पर भी करेंगे, है ना। हम लोग क्या कहेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्टिव न्यूक्लियस डिकेज बाय द फर्स्ट प्रोसेस इन अ टाइम इंटरवल डीटी इज, वो कितना हो जाएगा अगर इसको हम लोग फॉलो करें तो, वो हो जाएगा लैम्डा 1 into dt। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से हम लोग एक और बात कह सकते हैं कि सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी दैट इट डिकेज बाय द सेकेंड प्रोसेस वो कितना हो जाएगा, वो लैम्डा 2 into dt हो जाएगा, जैसा अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसके डिके करने की प्रोबेबिलिटी, चाहे फर्स्ट प्रोसेस है चाहे सेकेंड प्रोसेस है ना, बस डिके करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं क्या बोल दूंगा, इन दोनों का समेशन बोल दूंगा। तो बच्चों यहां पर जो लैम्डा 1 dt प्लस लैम्डा 2 dt आया है, ये क्या आया है, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट आइदर डिकेज बाय द फर्स्ट प्रोसेस और बाय द सेकेंड प्रोसेस। क्लियर है ये बात। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था ये, है ना, कि किसी भी डीटी टाइम में किसी न्यूक्लियस के डिके करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, माइनस डीएन अपॉन एन होती है, या फिर लैम्डा डीटी होती है। तो इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, इसको हम लोग लैम्डा डीटी के बराबर कर देंगे। यहां पर लैम्डा कौन सा है, ये एक्चुअली इफेक्टिव लैम्डा कहलाएगा। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ गई, है ना। ये चीज हम लोगों ने अभी भी अलग तरीके से प्रूफ करी थी, और इसी तरीके से हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे कि 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, जस्ट लाइक वी हैव डन इट बिफोर, है ना। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो, है ना, कि जो यहाँ पर इफेक्टिव हाफ लाइफ टी है ऑफ द न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगा, 1/t, मतलब कि ये जो टी है ना वो कितना हो जाएगा, 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 से जो टी आएगा वो हो जाएगा, दैट इज टी इज इक्वल टू t1 into t2 अपॉन t1 प्लस t2 के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, बिस्मथ 212-83 कैन डिसइंटीग्रेट आइदर बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल और बाय एमिटिंग अ बीटा माइनस पार्टिकल। पहला पार्ट है सवाल का, राइट द टू इक्वेशंस शोइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिकेज। सेकंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन बाय अल्फा एंड बीटा डिकेज आर इन द रेशियो 7:13। The overall half-life of bismuth 212 is 1 hour. If 1 gram of pure bismuth 212 is taken at 12 noon, what will be the composition of this sample at 1 pm the same day? तो देखिए बच्चों सवाल में बेसिकली क्या दे रखा है कि हमारे को बिस्मत, है ना, बिस्मत 212-83 के बारे में बता रखा गया है कि ये दो प्रोसेसेस से जो है डिके कर सकता है ना, एक हो जाएगा अल्फा डिके और एक हो जाएगा बीटा माइनस डिके। और अगर अल्फा डिके से, है ना, ये डिके कर रहा है तो क्या बनेगा, यहां पर बनता है थैलियम, है ना, 208 और ये हो जाता है 81 और साथ में क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। और यहां पर अगर बीटा माइनस डिके हो रहा है तो यहां पर क्या बनता है, पोलोनियम बनता है, है ना, 212-84। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो बच्चों इस सवाल में हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत में, है ना, हमारे को कितना दिया हुआ था बिस्मत, वो 1 ग्राम दिया हुआ था। अब इसमें यह भी बोला है कि इसकी जो हाफ लाइफ है, ओवरऑल हाफ लाइफ, है ना, वो कितनी है, वो 1 आवर है। तो अगर 12 बजे दोपहर के बाद हम लोग 1 बजे दोपहर में चेक करेंगे तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि बिस्मत कितना रह जाएगा, वो सिर्फ आधा रह जाएगा, मतलब 1 ग्राम का आधा इज हाफ ग्राम। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो बिस्मत है वो शुरुआत में कितना था, 1 ग्राम था, लेकिन 1 घंटे बाद, है ना, आफ्टर 1 आवर वो कितना रह जाएगा, वो हाफ ग्राम रह जाएगा। अब ये जो अल्फा डिके हुआ और जो बीटा डिके हुआ, इस वजह से इसका हाफ ग्राम क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर आप सोचिए कि जो अल्फा डिके है और जो बीटा डिके है, ये किस रेशियो में एक्चुअली हो रहे हैं। तो ये जो रेशियो है एक्चुअली 7:13 का दे रखा है, मतलब कि अगर 20 न्यूक्लियस जो है वो डिके कर रहे हैं तो 7 हो जा रहे हैं किस तरीके से, डिके, अल्फा डिके से, और 13 डिके कर रहे हैं किस प्रोसेस से, बीटा माइनस डिके से। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए हम लोग सिंपली क्या लगा सकते हैं कि अगर 1 घंटे के बाद ये आधा ग्राम रह गया, इसका मतलब ओवरऑल हाफ ग्राम जो है वो कन्वर्ट भी हुआ है ना। तो आउट ऑफ दैट हाफ ग्राम, है ना, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 7/20, है ना, जो 7 और 13, तो 7 और 13 का अगर रेशियो है तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ओवरऑल 7 आउट ऑफ 20 जो है,
है ना, वो किस में कन्वर्ट हुआ और किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, तो वो थैलियम में कन्वर्ट हुआ वाया अल्फा डिके। तो हाफ ऑफ 7/20 ये एक्चुअली हो जाएगा 0.175 ग्राम। तो ये किसकी कहानी हो गई, ये कहानी हो गई थैलियम की। इसी तरीके से अगर हम लोग पोलोनियम की बात करें तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि हाफ में से है ना जो पोलोनियम में कन्वर्जन की जो प्रोबेबिलिटी थी है ना वो कितनी थी, 13/20 है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे कि 13/20 ऑफ हाफ वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 0.325 ग्राम। तो इस तरीके से कन्वर्जन हुआ है ना, 0.175 ग्राम जो है वो थैलियम में कन्वर्ट हुआ है और 0.325 ग्राम जो है वो पोलोनियम में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि आफ्टर 1 आवर आपको बिस्मथ कितना मिलेगा, हाफ ग्राम मिलेगा, थैलियम कितना मिलेगा, 0.175 ग्राम मिलेगा, और पोलोनियम कितना मिलेगा, 0.325 ग्राम मिलेगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, सपोज द डॉटर न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियर डिके इज इटसेल्फ रेडियोएक्टिव, लेट लैम्डा पी एंड लैम्डा डी बी द डिके कांस्टेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई, ऑल्सो लेट एनपी एंड एनडी बी द नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई एट टाइम टी, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपका रिविजन करा देता हूं, है ना। हमें पता है कि -dN/dt ये किसके बराबर हो जाता है, ये लैम्डा इंटू एन के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सवाल में एक्चुअली हमारे को ये दे रखा है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस है ना, वो किस में डिके कर रहा है, वो लेटर से कि इस डॉटर न्यूक्लियस में डिके कर रहा है, और जो डिके कॉन्स्टेंट है वो लैम्डा पी दे रखा है। लेकिन ये हमें बता दिया गया कि ये जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है ये खुद भी रेडियो एक्टिव है, तो ये भी डिके कर रहा है किसी और न्यूक्लियस में, और इस प्रोसेस के लिए जो लैम्डा है वो लैम्डा डी दे रखा है। पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट और डी स्टैंड्स फॉर डॉटर। ठीक है, तो अब हमसे ये बोला गया है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम्स कॉन्स्टेंट, है ना। तो डी को हमें क्या करवाना है, कॉन्स्टेंट करवाना है। तो देखिए बच्चों यहां पर जो मैंने आपका रिविजन कराया था उससे हमें क्या पता चल रहा है, माइनस डी एन एक्चुअली किसके बराबर होता है, वो होता है लैम्डा एन डी टी के बराबर। अब ये माइनस डी एन क्या है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि टी से लेकर के टी प्लस डी टी टाइम में है ना, अगर उस समय एक्टिव न्यूक्लियस एन थे तो डिके करने वाले कितने हो जाएंगे, माइनस डी एन हो जाएंगे। मतलब इस स्मॉल डी टी टाइम इंटरवल में है ना, टी से टी प्लस डी टी के बीच में जो डी टी टाइम इंटरवल है, इस छोटे से इंटरवल में है ना जो डिके करने वाले न्यूक्लियस है वो कितने हैं, माइनस डीएन है। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग सिर्फ टी से डी तक की बात करें है ना, तो अगर यहां से यहां तक की बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टी से टी प्लस डी टी टाइम में है ना जो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जो डिके हो रहे हैं वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिकेइंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड इन दिस इंटरवल। अब पेरेंट जो है वो कितना डिके कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पेरेंट जो है वो डिके करेगा लैम्डा पी एन पी डी टी के बराबर। क्लियर है बात। जहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एन पी क्या है, वो उस टी टाइम पर अवेलेबल नंबर ऑफ एक्टिव पेरेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये एक्चुअली वो नंबर है ना, वो नंबर है जो पेरेंट का डिके कर रहा है। अब जितना पेरेंट डिके करेगा उतना ही तो वो डी को फॉर्म करवाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड इन दिस इंटरवल। क्लियर है ये बात। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस वाले रिएक्शन में है ना, डॉटर जो है फर्दर किसी और न्यूक्लियस में मान लीजिए कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग इस छोटे से डी टी टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितने डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो डिके करेंगे इन द सेम टाइम इंटरवल। तो अगेन हम लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हो जाएगा लैम्डा डी एन डी डी टी के बराबर। अब बच्चों ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जिस तरीके से है ना, कोई मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें आप जो है जिस रेट से पानी डाल रहे हैं, अगर उसी रेट से पानी जो है निकलेगा तो उसमें जो पानी का लेवल है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जिस रेट से डॉटर बन रहा है ना, या फिर डी टी टाइम में जितना डॉटर बना डी टी टाइम में उतना ही डॉटर न्यूक्लियस क्या हो जाए, डीके कर जाए। तो हम लोग बोल देंगे क्या कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनका नंबर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा।
तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा पी एन पी डी टी शुड बी इक्वल टू लैम्डा डी एन डी डी टी के बराबर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, लैम्डा पी एन पी शुड बी इक्वल टू लैम्डा डी एन डी के बराबर, है ना। तो अगर ये वैलिड होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ रेडियो न्यूक्लियाइड ए वन विथ डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा वन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ रेडियो न्यूक्लियाइड ए टू विथ डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा टू। एज्यूमिंग दैट एट द इनिशियल मोमेंट द प्रिपरेशन कंटेन्ड ओनली द रेडियो न्यूक्लियाइड ए वन, फाइंड, पहला पार्ट है द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग एक्यूमुलेशन ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड ए टू विथ टाइम, और सेकेंड पार्ट है द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एक्टिविटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड ए टू रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों इस सवाल में आप देखिए ऐसा हो रहा है कि यहां पर ना ए वन जो रेडियो न्यूक्लियाइड है ना वो एक्चुअली किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ए टू में, ठीक है। लेकिन ए टू जो है वो खुद भी क्या है, रेडियो एक्टिव है, जिस वजह से वो भी क्या हो रहा है, किसी और न्यूक्लियस में डिके कर जा रहा है, ठीक है। अब हमसे सवाल में क्या बोला है कि इनिशियल मोमेंट पे, है ना, हमें ये अस्यूम करना है कि सिर्फ और सिर्फ कौन से रेडियो न्यूक्लियाइड है, ए वन है, ठीक है। तो लेट अस से कि शुरुआत में ना ए वन के एन वन नॉट न्यूक्लियाई थे, ठीक है। तो मैं एन वन के लिए, है ना, जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड थे उसको क्या बोल रहा हूं, एन वन नॉट, है ना। तो ये तो बात हो गई बच्चों टी इक्वल टू जीरो की। अब लेट अस से किसी टी टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए वन के न्यूक्लियाइड जो है अब एक्टिव, वो लेट अस से एन वन रह गए, और ए टू के कितने हो गए, ए टू के हो गए एन टू, क्लियर है बात। तो यहां पर आप सोचिए कि हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर देखिए लिख सकते हैं डी एन टू बाई डी टी, डी एन टू बाई डी टी कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ए टू जो है ना वो एक्चुअली फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ डीके ऑफ ए वन, लेकिन ये भी किसी और चीज में टूट जा रहा है ना। तो डी एन टू बाई डी टी को हमें क्या लिखना चाहिए, लैम्डा वन एन वन माइनस लैम्डा टू एन टू। यहां पर मैंने यहां पर देखिए आप कि लैम्डा वन एन वन पॉजिटिव में लिखा लेकिन लैम्डा टू एन टू नेगेटिव में लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि एन टू को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एन टू को बढ़ाने का काम जो है वो एन वन एक्चुअली कर रहा है ना। मतलब कि जो ए वन रेडियो न्यूक्लाइड है वो कर रहा है, और ए वन के कितने प्रेजेंट है, कितने एक्टिव है, वो ये डिसाइड कर रहा है कि नहीं विथ लैम्डा वन। और उसी तरीके से ए टू कितना टूट रहा है वो एक्चुअली लैम्डा टू गवर्न कर रहा है, साथ ही साथ कि ए टू कितने हैं, है ना, दैट इज एन टू, वो गवर्न कर रहा है। तो डी एन टू अपॉन डी टी को मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा वन एन वन माइनस लैम्डा टू एन टू। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक वाटर का कंटेनर है ना, और इसमें पानी आ भी रहा है लेकिन पानी निकल भी रहा है। अब जो है इसकी हाइट किस तरीके से वेरी करेगी, वो डिपेंड करेगा कि जो आने वाला इनकमिंग वाटर फ्लो का रेट है वो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू किस रेट से ये पानी को क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है ना। तो अगर इनकमिंग रेट ज्यादा होगी तो इसका लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिए यहां पर, अगर सिर्फ मैं यहां पर ए वन के डिके करने की बात करूं ना, मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को देखना चाह रहा हूं, तो यहां पर तो सिंपली ए वन जो है किसी और चीज में टूट रहा है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग देखिए यहां पर लिख सकते हैं एन वन इज इक्वल टू एन वन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा वन इन टू टी, क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करें, हम लोगों ने सिंपली देखा कि ए वन जो है वो ए टू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए तो सिंपली एक ही इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं ना। आपने पढ़ा है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां पर एन क्या बता रहा है, एन एक्चुअली एन वन बता रहा है, एन नॉट हम लोगों ने एन वन नॉट माना है, और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा वन है। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी एन टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन मल्टीप्लाइड बाय एन वन के बदले क्या लिख देंगे, एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी माइनस लैम्डा टू एन टू। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारे को एन टू में, है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है ना। तो देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे को यूज करना होगा थोड़ा मैथमेटिक्स का, है ना। तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इन द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन कि ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो आता है ई टू द पावर लैम्डा टू टी। तो उसका बच्चों हम लोग इस्तेमाल थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी एन टू बाय डी टी प्लस लैम्डा टू एन टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा वन एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी। क्लियर है यहां तक? तो इसके बाद बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको फर्दर, डी एन टू प्लस लैम्डा टू एन टू डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी डी टी के बराबर। क्लियर है बात? तो अब हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को LHS को मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर लैम्डा 2t से, और RHS को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, e टू द पावर लैम्डा 2t से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली क्या बन गया, ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहां पर LHS में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म बना है वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन है एन टू ई टू द पावर लैम्डा 2t का। आप देख सकते हैं जैसे कि पहला टर्म जो है ना, जब e टू द पावर लैम्डा 2t को एज इट इज रखा गया तो डिफरेंशिएशन हुआ n2 का, दैट इज dn2, और अगले बार n2 को एज इट इज रखा गया और e टू द पावर लैम्डा 2t का डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो क्या आ गया, e टू द पावर लैम्डा 2t इनटू लैम्डा t लैम्डा 2, और n2 तो एज इट इज रहेगा ही, और चेन रूल से t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो टर्म है LHS वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ n2 e टू द पावर लैम्डा 2t है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा लैम्डा वन एन वन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी, है ना, ये बन गया और साथ में डी टी भी आ गया। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एल एच एस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो ये तो सिंपली क्या बन जाएगा, एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लैम्डा वन एन वन नॉट, ठीक है। और यहां पर e टू द पावर समथिंग का इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों e टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी, है ना, डिवाइडेड बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। क्लियर है? और यहां पर हमारे को जो लिमिट भरनी है वो क्या भरनी है, फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n2 e टू द पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू, है ना, यहां पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 n1 नॉट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, और जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस e टू द पावर जीरो इज वन, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको देखिए बच्चों फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगा n2 e टू द पावर लैम्डा 2t, है ना, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 n1 नॉट, फिर क्या आ जाएगा यहां पर, e टू द पावर लैम्डा 2t और डिवाइडेड बाय e टू द पावर लैम्डा 1t माइनस 1, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में e टू द पावर लैम्डा 2t जैसा टर्म है, तो राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही कोई टर्म लाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं n2 अपॉन e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 n1 नॉट, फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी माइनस वन। तो आप स्ट्रैटेजी समझ पा रहे हैं यहां पर, मैं क्या चाह रहा हूं कि एलसीएम में जब ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी आए तो वो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, है ना, ताकि जो रिलेशन है वो हमारे को और ज्यादा सिंपल मिले। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन टू अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन एन वन नॉट, फिर अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी माइनस क्या आ जाएगा यहां पर, e टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी, और
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी। क्लियर ही बात। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फायदा क्या हो गया कि ये जो है कैंसल आउट हो गया। तो यहां से बड़े आराम से देखिए हमारे पास अब डायरेक्टली क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एन टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन एन वन नॉट, फिर यहां पर क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी, है ना। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, एन टू आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो अब हम लोग आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एक्टिविटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड ए टू रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि एक्टिविटी जो है ना वो बेसिकली लैम्डा टाइम्स एन होता है। तो अगर एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है तो एन को भी क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, राइट। और यहां पर एन कौन सा है, एन यहां पर एन टू हमें लेना है। तो बेसिकली एन को अगर मैक्सिमाइज करना है ना, एन टू को अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या मेक श्योर करना होगा कि डी एन टू बाई डी टी बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देते हैं, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन वन नॉट लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, है ना। और अब इस ब्रैकेट वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी, ये तो पहले आ जाएगा। फिर हम लोग समझ पा रहे हैं चेन रूल से माइनस लैम्डा वन भी आ जाएगा। फिर अगला टर्म है माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी, ये तो एज इट इज आ जाएगा। फिर चेन रूल से माइनस लैम्डा टू भी आ जाएगा एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा वन इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टू। अब बच्चों इसे फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, है ना, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर लैम्डा 1t मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर लैम्डा 2t और ऊपर आ जाएगा लैम्डा 2। ठीक है, तो चलिए इसको और आगे देखते हैं कि इसे टाइम कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2t, राइट। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा सिंपली लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, है ना। तो यहां से देखिए बड़े आराम से हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, एल एन ऑफ लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। और इसे हमें किससे डिवाइड करना होगा, इसे हमें डिवाइड करना होगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू से। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों यही वो टाइम है जब A2, है ना, जो A2 रेडियो न्यूक्लियाइड है उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अगला सवाल है, सॉल्व द फोरगोइंग प्रॉब्लम इफ लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा। तो मतलब कि जो अभी अभी हम लोगों ने सवाल सॉल्व करा ना, उसमें बस लैम्डा वन और लैम्डा टू की हमें वैल्यू मिल गई और वो कितने के बराबर है, लैम्डा के बराबर है। मतलब कि A1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, A2 में कन्वर्ट हो रहा है और A2 अगेन किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। पर इस बार दोनों के जो डीके कॉन्स्टेंट्स है ना, जो डीके कॉन्स्टेंट्स है दोनों केसेस में वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अगेन बच्चों हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं ना, बेसिक से अगर शुरुआत करें तो हम लोग A1 के लिए क्या बोल सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर A1 की वैल्यू कितनी थी, n1 नॉट थी, है ना, बाकी सब तो नहीं थे इस समय। अब देखिए किसी t टाइम पर हम लोग क्या बोल देंगे कि a1 की अमाउंट कितनी हो गई, n1 हो गई और n2 a2 कितना हो गया, तो वो n2 हो गया। तो बच्चों इस बार हम लोग अगेन पिछले बार की तरह इक्वेशन लिख सकते हैं ना, हम लोग जैसे कि यहां पर n1 के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, n1 नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, है ना। इसके अलावा बच्चों हम लोग a2 के लिए क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि a2 जो है वो फॉर्म भी हो रहा है और वो ब्रेक भी हो रहा है, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मेशन के लिए क्या लिख देंगे, लैम्डा एन वन, ठीक है। और फिर ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, माइनस लैम्डा एन टू, है ना। इस बार सबसे बढ़िया चीज ये कि हर जगह एक ही लैम्डा है ना।
तो बच्चों पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, एन वन की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर देंगे ना। तो यहां से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा टाइम्स एन टू। तो देखिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, डी टी को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एन टू इज इक्वल टू, देखिए क्या बन गया, ये बन गया लैम्डा एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी माइनस लैम्डा एन टू डी टी के बराबर। अब एक काम करते हैं इस वाले टर्म को ना, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एन टू प्लस लैम्डा एन टू डी टी के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी के बराबर। तो बच्चों इस सवाल में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा है ना, वो आ जाएगा सिंपली ई टू द पावर लैम्डा टी। तो इस बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं क्योंकि काफी सिंपल एक्सप्रेशन बनाई है। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, डी एन टू प्लस लैम्डा एन टू डी टी, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, ई टू द पावर लैम्डा टी से। और ये किसके बराबर आ जा रहा है, देखिए लैम्डा एन वन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर लैम्डा टी, ये तो वन हो जाएगा और यहां पर सिंपली डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला टर्म है ना, एल एच एस वाला टर्म है, ये बेसिकली क्या है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एन टू ई टू द पावर लैम्डा टी, है ना। और ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये आ जा रहा है लैम्डा एन वन नॉट डी टी के बराबर। तो बच्चों अब सिंपली हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है ना। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब ये सिंपली क्या बन गया, एन टू ई टू द पावर लैम्डा टी। और ये किसके बराबर आ जा रहा है, देखिए यहां पर जो राइट हैंड साइड है इसमें हम लोग इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या रखेंगे, जीरो से टी रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एन वन नॉट, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सिंपली ये क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो यहां से देखिए स्ट्रेट अवे हमारे पास एन टू की वैल्यू क्या जा रही है, लैम्डा एन वन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर एक तो टी भी आ जाएगा और साथ ही साथ वन अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टी को क्या लिख देंगे, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे इस सवाल का जवाब आ गया ना। लेकिन इस सवाल के एक और पार्ट को हमें सॉल्व करना है ना, तो जो दूसरा पार्ट होगा उसमें अगेन हमें क्या निकालना है, वो टाइम निकालना है जब एक्टिविटी ऑफ, है ना, एक्टिविटी ऑफ ए टू वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अगेन वही फंडा यूज करेंगे कि एन टू कब मैक्सिमम होगा। तो हम लोग डी एन टू बाई डी टी इसे क्या करना चाह रहे हैं, जीरो करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा एन वन नॉट, ये तो खैर कॉन्स्टेंट है, फिर क्या आ जाएगा, टी को एज इट इज रहने देते हैं पहली बार में, और ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और साथ ही साथ चेन रूल से माइनस लैम्डा भी आ जाएगा। फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और टी का डिफ्रेंशिएशन तो वन हो जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या आने वाला है, टी लैम्डा, है ना, टी लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो इस बार जो जवाब है बड़ा सिंपल आने वाला है, टाइम हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंपली कितने के बराबर आ जा रहा है, वन अपॉन लैम्डा के, है ना। तो यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, व्हाट आइसोटोप इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अल्फा रेडियो एक्टिव रेडियम 226 एज अ रिजल्ट ऑफ 5 अल्फा डिसइंटीग्रेशंस एंड 4 बीटा माइनस डिसइंटीग्रेशंस। और दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा माइनस डिकेज डज यूरेनियम 238 एक्सपीरियंस बिफोर टर्निंग फाइनली इनटू द स्टेबल लेड 206 आइसोटोप। तो देखिए बच्चों जैसा कि हमारे को दिया हुआ है कि शुरुआत में रेडियम कौन सा है, 226 है, है ना। अब जो ये रेडियम 226 है वो क्या क्या अंडरगो कर रहा है, वो बेसिकली 5 अल्फा और 4 बीटा माइनस, है ना, ये इतने सारे डिके अंडरगो कर रहा है, और फिर हमें पता लगाना है कि ये फाइनली क्या बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों हमें ये पता है कि अगर 5 अल्फा डिके हो रहे हैं, है ना, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें मास नंबर की
और किसकी बात करें, और अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास नंबर की और फिर बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक अल्फा डिके की वजह से चार से जो मास नंबर है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकलता है जिसके पास चार न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो ऑल टुगेदर हम लोग देख पा रहे हैं कि मास नंबर जो है वो 5 × 4 मतलब 20 से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हीलियम के पास दो प्रोटॉन होते हैं ना, तो अगर हीलियम के न्यूक्लियस के पास दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक अल्फा डिके से दो प्रोटॉन की कमी आती है, तो 5 अल्फा डिके से 10 प्रोटॉन की कमी आएगी। ये तो एक बात हो गई। अब बीटा डिके की वजह से मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है ना। मास नंबर में बीटा डिके की वजह से इसलिए चेंज नहीं आता है क्योंकि बीटा माइनस डिके में क्या होता है बेसिकली, कि एक न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से मास नंबर में तो कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की, है ना, तो जैसा मैंने आपको कहा कि न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, तो मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, वो एक्चुअली बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहां पर 4 बीटा माइनस डिके हो रहे हैं, तो यहां पर 4 से वो बढ़ेगा। तो ऑल टुगेदर हम लोग देख पा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली 6 से कम हो रहा है, ठीक है। और मास नंबर की बात करें तो वो क्या हो रहा है, 20 से डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि रेडियम से ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट होगा, ये एक ऐसे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा जिसका जिसका मास नंबर जो है ना वो कितना हो चुका होगा, वो हो चुका होगा 206, और एटॉमिक नंबर कितना हो चुका होगा, 88 - 6 विच इज 82। और हमें पता है कि 82 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है, तो वो होता है एक्चुअली लेड का, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि ये बेसिकली लेड है। तो बच्चों पहले पार्ट का जवाब क्या हो जाएगा कि ये जो रेडियम 226 है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लेड, जिसका मास नंबर कितना है, 206 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 82 है। तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा माइनस डिकेज डज यूरेनियम 238 एक्सपीरियंस बिफोर टर्निंग फाइनली इनटू द स्टेबल लेड 206 आइसोटोप। तो बच्चों ये रहा वो कन्वर्जन, है ना। अब बस हमारे को ये काउंट करना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा माइनस डिकेज होने के बाद ये इस कंडीशन में पहुंचा है। तो मान लेते हैं बच्चों कि एक्स अल्फा डिकेज हुए और वाई बीटा माइनस डिकेज हुए, ठीक है। तो बच्चों हमारे को ये बात पता है कि ये जो मास नंबर है ना, उसमें बेसिकली अगर कमी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा डिके की वजह से आएगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 238 माइनस, है ना, यहां पर एक अल्फा डिके की वजह से चार, है ना, चार की कमी आती है मास नंबर में। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, अगर यहां पर x अल्फा डिकेज हो रहे हैं तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 4x इज इक्वल टू 206, है ना। 238 में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 206 होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि अगर यहां पर बीटा माइनस डिकेज मान लीजिए वाई हो रहे हैं ना, वाई बीटा माइनस डिकेज हो रहे हैं, तो हर बीटा नेगेटिव डिके की वजह से क्या होगा, बीटा नेगेटिव डिके की वजह से एक्चुअली एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि पहले कितना था, 92 था, तो उसमें देखिए अल्फा डिके की वजह से क्या आएगा, अल्फा डिके की वजह से एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। तो यहां पर कितने अल्फा डिकेज हुए, एक्स हुए, तो उसमें से 2x घटाएंगे, और जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, इसमें वाई जो है वो ऐड करेंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 82 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बड़े आराम से बच्चों यहां पर देख पा रहे हैं कि 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 238 माइनस 206 के बराबर, तो ये कितना हो गया, ये बेसिकली 32 हो गया, है ना। तो 32 हो गया ये, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 8 अल्फा डिकेज हो रहे हैं, है ना। अब अगर 8 की वैल्यू, है ना, यहां पर अगर हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 8, तो यहां से हमारे को y भी मिल जाएगा। क्लियर ही बात? तो हम लोग यहां से y कैसे निकालेंगे, y विल बी इक्वल टू 82 माइनस 92 प्लस ट्वाइस ऑफ 8, है ना, ये हमें करना होगा। तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है, 16 माइनस
10 विच इज इक्वल टू 6, है ना, तो y की वैल्यू 6 आ गई, मतलब 6 जो है वो क्या हो रहे हैं, बीटा माइनस डिकेज हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो बच्चों ये रहे हमारे आखिरी सवाल के जवाब, है ना। तो आई होप बच्चों कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।